तो आज हम वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों उन शेयर पर जिसका प्राइस गिरने वाला है, ठीक है। जिसका प्राइस गिरने वाला है उसके पीछे देख लीजिए, अगर निफ्टी गिरता है, बैंक निफ्टी गिरता है, निफ्टी गिरता है, तो दोस्तों आपको ऑफ कोर्स ये स्टॉक में, सारे स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारे स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलेगा। सबके बारे में एक एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ याद रखिए, अगर आपके पास ये चारों में से कोई भी है तो हाईली रिस्क है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, हाईली रिस्क है, मतलब कि दोस्तों बहुत ज़्यादा रिस्क है, टेम्परेचर हाई है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जितने भी स्टॉक में आपने ख़रीदारी किया है लेके निकल जाओ, चाहे वो बजाज ऑटो जैसे बहुत अच्छे स्टॉक है भाई, बजाज ऑटो कोई ख़राब नहीं है, लेकिन क्या करें, जब समय ख़राब चलता है, जब टाइम ख़राब चलता है, तो हर एक चीज़ चेंज हो जाता है, ठीक है। बजाज ऑटो, हीरो मोटर क्रॉप, सन फार्मा, बालाकृष्णा, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक में दोस्तों आपको क्या करना है, नई खरीदारी करना है, नई खरीदारी करना है, नहीं तो नुकसान भाई आपको होगा, ठीक है। चाहे जो भी हो, अगर आपको थोड़े बहुत हरे निशान में भी देखते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर जाते हुए, थोड़ा बहुत ऊपर जाते हुए सारे स्टॉक, फिर भी क्या करना है आपको, नहीं खरीदना है। मतलब अगर ये हरे निशान भी इस चारों स्टॉक में आते हैं तो भी आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि ये स्टॉक दोस्तों प्राइस गिरने वाला है। चाहे आप फ्यूचर ऑप्शन, इंट्राडे, जो भी करना है कर सकते हो, लेकिन आपको खरीदना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हाईली रिस्क स्टॉक है ये। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ दोस्तों, मैंने ये दो ऑटो सेक्टर में इनको क्यों फोकस किया, ठीक है। दोस्तों देखिए, अभी पूरा क्या हो चुका है दोस्तों, जनता कर्फ्यू, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, यहाँ तक कि सारे इंडस्ट्री में भी क्या है दोस्तों, लॉकडाउन कर दिया गया है, ठीक है। और लॉकडाउन करने के वजह से दोस्तों कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, सब कुछ इनके मतलब वहाँ पर ही पड़े हैं दोस्तों, अपने अपने कंपनी में। और आज के डेट में आज देख लीजिए, क्या आपके अंदर, क्या आपके अगल बगल के अंदर किसी के अंदर चेष्टा है कि अपनी जान बचाने को छोड़ के कोई जाएगा व्हीकल्स खरीदने, कोई खरीदेगा बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे अच्छे कार्स खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे दोस्तों। और इस स्टॉक का प्राइस देख लो किस हिसाब से गिरा दोस्तों, ये देख लो, इसका हाईएस्ट प्राइस है 3000 के आसपास है, इसने जो लोएस्ट बनाया था वो 1500 के आसपास बनाया था, ठीक है। तो दोस्तों जब 3000 का स्टॉक मान लीजिए 50% से भी ज़्यादा टूट गया है कि नहीं, अगर आप देखोगे तो 50% से भी ज़्यादा टूट गया, तो अगर और भी थोड़ा बहुत टूट जाता है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ऐसे ऐसे स्टॉक से बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत दूर रहने के लिए। और बाकी सब देखिए, आप जो भी कीजिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, चाहे जो भी है, आप उनसे भी सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका, रिस्क आपका, ठीक है। क्योंकि जब प्रॉफिट मिलेगा तो आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो वो भी आपका ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था दोस्तों। देखिए मार्केट ओपन होने वाला है, इसीलिए मैं वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं डाल सकता, ठीक है। बाकी सब शाम को वीडियो जो है डिटेल में अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आपको पता चल लगा कि क्या करना है, कौन से स्टॉक में क्या नहीं करना है, कौन से स्टॉक में, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले भाई नेक्स्ट वीडियो में, बताने वाला हूँ कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है। बुरा मत मानिएगा कि मैं शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि अच्छे से एक्सप्लेन कर करके जैसे मैं इवनिंग में वीडियो बनाता हूँ वैसे कर पाऊँ। ऐसे आप मुझे टाइम दीजिए, मैं शाम को अच्छे से वीडियो अपलोड कर दूँगा।